समाज का सुसंस्कार मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा का अर्थ हो गया कि हिरण की तृष्णा। इसको दो रूप में मैं बताना चाहता हूं कि तेज गर्मी का समय है और वो हिरण जो है भटक गया जंगल के अंदर, तो सामने सूर्य की किरणों से परावर्तन से ऐसा लगता है कि वहां पानी है। उस पानी की खोज में वो तेज भागता है और उस स्थान पर आता है, देखता ये तो पानी नहीं है, वास्तव पानी नहीं है, वो सूर्य की किरणों का परावर्तन है, फिर भागता है लेकिन पानी नहीं मिलता है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं, यानी हम इंद्रियों के अंदर सुख को खोजते हैं, बाहरी वस्तुओं में सुख को खोजते हैं। वो तो बहुत ही टेम्परेरी है, मान भी लिया जाए कि सुख मिलता है पर वो टेम्परेरी है। जो सुख का अजस्व स्रोत है वो तो हमारी आत्मा का गुण है, लक्षण है। गुणी गुण से, गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता, वो तो आत्मा का गुण है। वो अथाह दरिया है, वो सुख का सागर है, अनंत सुख का धाम है, वो स्रोत सुख का भीतर है। और दूसरा मृग तृष्णा ये है कि जो कस्तूरी होती है मृग की नाभि में होता है, उसकी सुगंध इतनी मोहक होती है कि वह हिरण इधर से उधर भागता है कि कस्तूरी के मृग जीवों के ये सुगंध कहाँ से आ रही है पता नहीं पड़ता। ये मृग तृष्णा है। जब कोई भी ज्ञानी पुरुष बताता है ये सुगंध तो तुम्हारी नाभि में कस्तूरी से आ रही, उसको ज्ञान होता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि सच्चाई ये है। ज्ञानी पुरुष हमको बताते हैं कि तुम सुख बाहर खोज रहे हो, तुम सुख वस्तुओं में खोज रहे हो, तुम सुख जो है धन दौलत परिवार और इन सब चीजों में, इन नाशवान चीजों में सुख रहे हो, उसमें सुख मानते भी हो तो वो कुत्ते की हड्डी की तरह हो, बिल्कुल ही टेम्परेरी है। सच्चा सुख तो आत्मा के भीतर है, अक्षय सुख अनंत सुख का धाम, वो आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, वो भीतर है, उसको तलाशना चाहिए। जब भीतरी सुख के स्रोत को हमें आनंद का स्रोत में मिल जाता है तो बाहर का जो सुख है हमको बहुत फीका फीका लगता है और फिर हम सुख को छोड़ देते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का अर्थ होता है भीतर के सुख को चखना और बाहर के सुख को जो है वह, क्योंकि वह सुख जो मिल रहा है वह तो हमारा प्रारब्ध और पुरुषार्थ है, उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं देना। तो इस तरीके से जो है हम ये दोनों तरह की मृग तृष्णा को रोक सकते, रोकनी चाहिए।